सचिन भाई नारियल के पेड़ पे चढ़ रहे है। चौका डाल ले मरते हैं। यहाँ ऊपर से कैसे पानी आता है? दिस इज एडवेंचर, पहाड़ी पे नारियल। ये सोए हैं सागर भाई और मिथुन भाई, हम सोएंगे वहाँ पर। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सो हे गाइस, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं गोवन राइडर। तो आज हम निकल रहे हैं एक और मोटो ट्रैकिंग कैंपिंग के लिए। तो दोपहर के 2 बज चुके हैं, तो सामान मैंने पैक कर दिया है, तो जल्दी से फटाफट से यहाँ से निकलते हैं गाड़ी के पास और बाकी बातें गाड़ी पे। चलो Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. लगता है ये रास्ता खत्म होने वाला है और इसके बाद ट्रैकिंग शुरू, क्योंकि मुझे वो पर्वत नजदीक आता आता दिख रहा है। अगर मेरे पीछे आप वो पहाड़ देख सकते हैं, तो वो है हुर्णेश्वर, यानी कि हुर्णा लोकल नेम है। आज मेरे साथ जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला था, अपने ऑल टाइम फेवरेट सागर भाई, उनके साथ मिथुन भाई न्यूली ज्वाइन हमारे ग्रुप में, और हमारे गांव वाले सचिन भाई। तो अभी लगभग 4 बज चुके हैं और अपना जो पर्वत है वो बहुत पीछे है, तो अब पता नहीं अभी उजाले में पहुंचेंगे भी या नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते है। दो गाड़ियां हमने किसी के घर पे रख दी, एक गाड़ी यही पे छोड़ दी है और अभी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ट्रैकिंग में गाड़ी कहाँ पर रखना है ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, बट एनीवेज हमने ढूंढ ली एक दोस्त की जगह और वहाँ पे पार्क कर दी। और ये पगडंडी फिलहाल कहीं पर जा रही है, तो इसी रास्ते से अभी हम चलते हैं, जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पहुँचेंगे। अगर नहीं पहुँचते तो गूगल मैप तो है ही अपना, उसके सहारे हम ऊपर पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि सामने दिख रहा है हमें कि हमें कहाँ पर जाना है। चलो गाइस बढ़ते हैं आगे। तो 6 बज चुके हैं, सागर भाई आगे चल रहे हैं और हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। हाँ, हमें जो आखिरी घर है, जो पहाड़ों में रहते हैं, उनके घर पर पहुंचने के लिए हमें अभी भी 200-400 मीटर बाद डिस्टेंस बाकी है, और उसके बाद लगभग 200-400 मीटर डिस्टेंस ऊपर जाना है टीले पर, समिट पर। नीचे से बहुत नज़दीक दिख रहा था, लेकिन बहुत दूर है और चढ़ाई की वजह से एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो भाई लोग 6:30 बज चुके हैं, सूरज जस्ट डूबने ही वाला है और हम ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच चुके हैं 80-85%, और ये लास्ट कुछ घर हमें दिख रहे हैं जहां पे काजू के सीज़न में काजू की जाती है। और अभी यहाँ पर कोई है नहीं, ये पुराने घर है, अभी सब लोग शिफ्ट कर चुके हैं नीचे। तो यहाँ से लगभग 0.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है अभी स्टीप, और उसके बाद में हम समिट तक पहुँच जाएंगे। तो सूरज डूबने वाला है और अभी यहाँ पर हमें पानी ढूंढना है, तो चलिए सबसे पहले पानी ढूंढते हैं। ये देखिए और एक घर, तो ये देखो भाई लोग पुराना वाला घर, शायद ही ऐसी जगह पर फिर कभी पहुँचे, अंदर जाके आता हूँ। चूल्हा, यहाँ पर खाना पकता होगा, और ये अभी ऊपर
कुछ नहीं बचा, थोड़ा बहुत गिर भी चुका है। सचिन भाई नारियल के पेड़ पे चढ़ रहे हैं। चौकअप जाले मरते हैं। हाँ तू मैकेनिक है क्या ले? पानी भी घेन लो। पानी भी घेन लो। ये है पानी और यहाँ ऊपर से कहीं से पानी आता है और यहाँ स्टोर होता है और यहाँ से पाइपलाइन है पुरानी वाली 15 mm वाली पाइपलाइन ड्रिप इरिगेशन वाली, वो गई है नीचे। 6:50 मतलब 7 बज चुके हैं, तो दिन में तो अभी पहुँचेंगे नहीं, रात होने ही वाली है। चलो सागर के दिस इज एडवेंचर पहाड़ी पे नारियल। चलो भाई लोग आगे बढ़ते हैं। तो कड़ी चढ़ाई इधर से पाए उड़ाना। इधर चढ़ने में बहुत डिफिकल्टी हुई क्योंकि हम सोचते थे हम कि जल्दी पहुंचने वाले, ऐसा सोचते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जंगल में कुछ नहीं मिलता, लेकिन हम हमारे सामान भी उतना नहीं ला सकते। कम से कम सामान लाके वो हम ये करता है और सूरज भाई उतने हमें खाने में ये करता है, दिक्कत होती है। ये थोड़ा सा दुआ का है, वो दिक्कत होता है, मजा आता है। ऐसा नहीं कि हम दूसरे के रास्ते में नहीं जाते, हम रास्ता खोज के जाते हैं। समंदर तेरे सागर संग किनारे फूलो संग बहारे, सागर संग किनारे फूलो संग बहारे, जैसा हम खाते वैसा भी तुम खाओ, पाव अभी भी बाकी है। ये सोए है सागर भाई और मिथुन भाई यहाँ पर जगह बनाते हुए, और ये जल रही है आग और हम सोएंगे वहाँ पर और सचिन भाई सोएंगे इधर। थोड़ा सा जगह बना लिया मैंने सीधा इस चूल्हे के पास ही, तो चलिए अब सो जाते हैं। काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और पूरी आग मेरी तरफ ही आ रही है, आई होप मेरे बाल ना जले। और अब हम भी सो जाते हैं और मिलते हैं आपसे कल सुबह। गुड नाइट। A heart speed to the city streets. ये है अपनी चाय और आज का नाश्ता सुबह का, बिस्किट और अंडा ब्रेड, अंडा पेटिस, अंडा कुछ भी। और हमारा जो पिछवी है पानी वाला वो कल रात को फट गया। ट्रैकिंग में ऐसा ही होता है, ये उसका दूसरा या तीसरा ट्रैक था और वो फट गया। तो इतना खतरनाक ट्रैकिंग करेंगे तो फटेगा ही वो। पहाड़ पे आके हम नारियल पानी पी रहे हैं। लगभग 10 बज चुके हैं, 9:30 बज चुके हैं और अभी फिलहाल हम है ऊपर और अभी मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ का नजारा। और यहाँ से कल हम चल के आए थे, 3:30-4 निकले थे, वहाँ किसी के घर में गाड़ियाँ पार्क करके ऐसे चलते 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 यहाँ से घूमते हुए ऐसे राउंड लगा के ऊपर आए हैं। तो सागर भाई ने यहाँ पर दिया जलाया है, मतलब जैसे तैसे जो तेल था मेरे पास कुकिंग वाला वो ले लिया और कपड़ा का उसने वो वात बनाया और उससे दिया जला दिया। तो मन में श्रद्धा होनी चाहिए,
और कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो गाइस वी आर ऑन टॉप ऑफ भुवनेश्वर राइट नाउ और हमारे पीछे है पूरी सत्तरी और पिछोली तालुका और पूरा गोवा। तो सागर भाई ने फिर से झंडा लगा दिया, तो इसी बहाने चलो कुछ स्लोगन हो जाए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो चलिए भाई लोग चलते हैं नीचे की तरफ। थैंक यू वेरी मच लवली माउंटेन फॉर द लवली स्टे। काफी मजा आया कल रात को गाइस, अभी उतरते हैं नीचे। तो पहुंच गए भाई लोग इन घरों के पास। तो ये तीन घरों वाला गांव काफी ऊंचाई पर है और यहाँ पे गोवा का लोकल शराब बनाया जाता था पहले। अभी तो कुछ है नहीं यहाँ पर, बस अवशेष ही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो भाई लोग फाइनली पहुँच गए अपनी गाड़ियों के पास। तो यहाँ रखी थी हमने अपनी बाइकें। अभी बजे 12:30, तो लगभग 1 बजे तक हम घर पहुँच जाएंगे। तो ऐसे ब्लॉग्स और आते रहेंगे। अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग गोवन राइडर। थैंक यू वेरी मच।